हमने कहा स्किल ओरिएंटेड करेंगे, क्लास नाइन्थ से स्किल का जोड़ेंगे। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ सरकार स्कूल स्तर से ही स्किल डेवलपमेंट को आगे लेगी और 10+2 पास करने वाले हर बच्चे के हाथ में हमारी योजना है कि 2 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक उसके एजुकेशन का और दूसरा उसके स्किल का। वो जब बच्चा 2+2 पास करके निकलेगा तो उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, 2 योग्यताएं लेके निकलेगा। वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे चला सकता है एजुकेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे, वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी में रोज़गार या नौकरी या इस तरह की तरफ लेके जा सकता है अपने स्किल के सर्टिफिकेट जो उसने लर्न किया उसके बेस पे। स्किल में दक्षता की मांग उद्योग व्यापार सेवा क्षेत्र चारों तरफ से बढ़ रही है, इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट के नए नए पाठ्यक्रम प्रपोज कर रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं। और सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी सर्टिफिकेट कोर्स थे, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री के लेवल पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी मैं सदन के समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक काफ़ी बटा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कोर्स कराते हैं, स्कूल एजुकेशन कुछ स्किल लेके चल रहा है। इस सब को इंटीग्रेटेड करते हुए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिल्ली में, दिल्ली को एक बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ नॉलेज हब, स्किल एजुकेशन का एक हब बनाया जाएगा। इसके लिए काम हो रहा है, हमारा विवेक विहार में एक सेंटर चल रहा है आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, वर्ल्ड स्किल सेंटर, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलके। हम कई और देशों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं और सिंगापुर गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं और जौनापुर में एक सेंटर पहले से ही प्रस्तावित है, उसको तेज़ी से लागू करने की बात कर रहे हैं। 3 ITI और खोलने और 5 नए पॉलिटेक्निक और खोलने का प्रस्ताव हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सरकारी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए, व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए 100 प्रत्येक में 100-100 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए SITI से मंजूरी पहले ली जा चुकी है और यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से जब हम स्किल की एजुकेशन देंगे तो उसके साथ साथ उसकी फर्दर लर्निंग का जो स्कोप है, क्योंकि स्किल एजुकेशन की तरफ बच्चे तब तक नहीं मुड़ेंगे जब तक फर्दर लर्निंग का उनके पास स्कोप बंद हो जाएंगे, तो उसका भी हम रास्ते खोल रहे हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 310 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव है जो कि इस शिक्षा के बजट में शामिल है। सूरजमल विहार में IP यूनिवर्सिटी, GGSIP यूनिवर्सिटी के दूसरे परिसर का काम 271 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का निर्माण 2016 तक पूरा हो जाएगा। हायर एजुकेशन तक पहुँचने के लिए पूरा जो हायर एजुकेशन का अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको कार्यक्रम को लागू करेंगे। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, और कल हमने यूनिवर्सिटी NSU IT के समय भी कहा, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे ताकि नई सोच को जगह मिल सके। फोर्ब्स मैगजीन का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बड़ा अच्छा इंक्यूबेशन के लिए और इन सब के लिए कि नई सोच को जगह देने के लिए, कि हम शिक्षा से ही नई सोच को कैसे जगह दें और इंडस्ट्री में कैसे जगह दें, उसका उदाहरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स मैगजीन में एक 2001 या 2002 में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद प्रोफेशन में सफल होगा वो प्रोफेशन अभी शुरू नहीं हुआ। ये बहुत गंभीर बात थी, 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ और वो जो करके सफल होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो सब शुरू होना है। और आज हम वही देख रहे हैं, दुनिया में सबसे सफल तब काम क्या है, आप देखिए फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें और भी तमाम चीज़ें, फ्लिपकार्ट, मैं किसी कंपनी विशेष का नाम लेके ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया भर के इनोवेटिव आइडियाज़ ले लेके जो जो लड़के और लड़कियाँ आए हुए हैं, ये सारे कौन लोग हैं? ये 25 साल से, 17 से 22 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया और 25 साल तक आते आते दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में गिने जाने लगे। आज दुनिया के कोने कोने में आप उनके नाम जानते हैं। तो इंक्यूबेशन को, इनोवेटिव आइडियाज़ को जगह देके हम चाहते हैं कि दिल्ली के कॉलेजेस से, दिल्ली के माहौल से कल के मार्क जुकरबर्ग और कल इस तरह के लोग यहीं से निकल के जाएं और दुनिया में नाम करें। इसके लिए
कल NSUIT नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव ये सदन कल पास कर चुका है।